सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जर्नी कर रहे हैं बहुत ही एक स्पेशल ट्रेन में। हम लोग जर्नी कर रहे हैं 22387 हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड सुपरफास्ट में, जो कि हर रोज हावड़ा से 6:15 और धनबाद से शाम को 4:20 पे डिपार्चर होता है। हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 250 किलोमीटर मेन लाइन से जा रहे हैं। जर्नी स्टार्ट करेंगे। जर्नी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो नए हैं भाई लोग, क्या करना है पता है ना, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक, बिकॉज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका भाई को मिलेगा नहीं सपोर्ट, इसलिए चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो कर ले लाइक। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं बिकॉज मैं वहाँ पे अपडेट वगैरह करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो कर लीजिए। यूजर आईडी कहीं पे दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, जाइए फॉलो कर लीजिए। सब हॉल्ट तो मैं कवर नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज आपको पता है जब मैं कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस लेके वो वर्धमान आसनसोल स्पेस में घुसा था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हॉल्ट मैं कवर कर दिया था। जो हॉल्ट उस वीडियो में कवर होगा तो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूँगा, ठीक है, तो आपको वो पूरा डिटेल्स बता दूंगा। तो चलिए उस पर जाते हैं। फिलहाल मैं देख सकते हैं कहाँ है, फिलहाल देख लीजिए हम हैं बैरकपुर फेरी सर्विस पर, बैरकपुर शेरापुली फेरी सर्विस। मेरा ट्रेन था हावड़ा से लेकिन मैं बोर्ड कर रहा हूँ शेरापुली से बिकॉज थोड़ा उठने में हो गया, दिक्कत कोई नहीं। चलिए उस पर जाते हैं, उस पर बात करते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, जर्नी हाईलाइट इंजॉय करना है, बिकॉज जर्नी हाईलाइट इंजॉय नहीं करेंगे तो जर्नी करने का मजा आएगा नहीं। तो चलिए 1 2 3 हेलो गाइस, डीसी शाहियर सुबोधी, वेलकम टू माय चैनल विद ए न्यू जर्नी व्लॉग। आ चुके हैं शेरा पुलिस स्टेशन। आज क्या बोलेंगे भाई, हावड़ा से ट्रेन था, उठने में हो गया दिक्कत, तो हम वो तो चलो, मेरा घर जो था बैरकपुर में था, इसीलिए आपको पता है बैरकपुर में मेरा घर है, बैरकपुर में था इसीलिए फेरी सर्विस पकड़ के इस पर आ गया, नहीं तो हो गया क्या होता, ट्रेन जो था पूरा जाता मतलब तेल में चला जाता। कोई नहीं, तो हाईलाइट्स देखे पता चल गया होगा मेरा कुछ नंबर है D2 विंडो साइड मिला है 221, ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जो भी होगा सब बात करेंगे। टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, देख लीजिए प्लेटफॉर्म की कैसे देख सकते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। 6 नंबर पे ये 6 है, ये 5 है, 4 पे शायद ब्लैक डायमंड आएगा। चलिए आते हैं उसके बाद बात करते हैं, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, कुछ भी होता है आपके साथ शेयर करेंगे वर्चुअली। चलो भाई, अभी तक ट्रेन नहीं आया तो आप बोलोगे भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो उस साइड है प्लेटफॉर्म, इधर है देख सकते हैं, इधर यहाँ पे कुछ मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे सब। मेरे एक आदमी ने बोला तो D2 सीट कहाँ गिरेगा, तो आपको वो बोला क्या पता है, मतलब एकदम आगे चले जाइए, मतलब लाइन को क्रॉस करते हुए आगे चले जाइए, मतलब इतना बड़ा जो गाड़ी है ना 22 कोचर है, तो इसलिए D2 मतलब पहले मतलब एकदम सामने गिरेगा, तो कोई नहीं चलिए आता है उसके बाद बात करते हैं। ढूंढ लीजिए कुछ ऐसा कुछ माहौल वगैरह है, मतलब यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है कुछ ऐसा कुछ हाल है, चलिए आते हैं तब तक बात करते हैं तब तक। सो गाइस, ट्रेन अराइव कर रहा है, देख सकते हैं लोकोमोटिव है हावड़ा सेट का WAP 7 3 0795 करने वाला है धनबाद तक, देख लीजिए कहाँ पे ट्रेन है। चलिए आगे जाते हैं, बात में आपके साथ बात करेंगे, पहले आगे जाते हैं सीट पकड़ते हैं नहीं तो हो जाएगा प्रॉब्लम।
सो गाइस देख सकते हैं ये 21। सो गाइस 10 मिनट लेट करने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर चुका है, देख सकते हैं ये है डिपार्चर। यहाँ डिपार्चर दिखाएंगे आप लोगों को, भाई देख लीजिए कहाँ पे प्लेटफॉर्म है, हम कहाँ से बोर्ड। देखिए एक्सेलेट कर रहा है, अभी प्लेटफॉर्म घुसा ही नहीं मेरा वाला कुछ, देख लीजिए क्या हाल है, देख लीजिए एक बार, अभी भी प्लेटफॉर्म नहीं घुसा। तो चलिए घुस गया प्लेटफॉर्म, इतना पीछे सीट दे दिया क्या हुआ। चलिए डिपार्चर देख लीजिए उसके बाद बात करते हैं। ट्रेन में उठने में पहली बार मुझे इतना दिक्कत हुआ है, मतलब स्टेशन से लेके सामने तक इतना हो गया प्रॉब्लम। आवाज अगर क्लियर नहीं आया कम से कम मुझे जरूर बताइए, आवाज क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप लोग सुनोगे कैसे। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गया, कोई नहीं। तो चलिए आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है आपका भाई हमेशा कोई नया ट्रेन जर्नी करता है तो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको बता दूं स्टेट में टोटल 22 कोचेस है, ठीक है। कोविड से पहले भी 22 कोचेस था, अभी भी 22 कोचेस के साथ ही काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या था, जनरल का हाल जो था जनरल ज्यादा था। तो चलिए मेरा भी कोच जो है सेकंड क्लास है, मतलब जनरल बोला जाता है, किसी भी कोच करके चला रहा है कोई नहीं। इससे पहले जैसे ये गाड़ी होता है ऑपरेट, 22 कोचेस के साथ ट्रेन करता है रन। और सुबह को 6:15 डिपार्चर होता है, लगभग 11:20 के अंदर आपको धंधा दिखा देगा, डिपेंडिंग होता है कितना हॉल्स होगा कवर। सब हॉल्स क्या करूँगा मैं कवर कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज कोलकाता जो कुछ अभी एक्सप्रेस वाला जल्दी अगर नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हैं वहाँ पर मैं क्या किया हूँ। वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत स्टेज का मतलब वर्धमान से लेकर गुवाहाटी वाला स्टेज जो रहता है ना स्टेट में, जो जो हॉल्ट वहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं कवर होगा बिकॉज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सब हॉल्ट अगर आपको वर्चुअल या फुल कवर करते 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 ले जाओ, तो इसीलिए अल्टरनेटिव जो हॉल्ट रहेगा वो इस वीडियो में कवर होगा, ठीक है। तो 22 कोचेस में से जिसमें आज मैं कवर कर रहा हूँ सीटिंग कोच है, मतलब 18 सीटिंग कोच रहेगा, दो रहेगा इसी चेयर का, एक DL1 और एक DL2 मतलब लगेज कम सीटिंग कोच ऐसा है, तो उसका भी जरिए आप देख सकते हैं, आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, चलिए बैंडेड जंक्शन आते हैं उसके बाद बात करते हैं कुछ कंडीशन कैसा रहता है, कुछ लेते हैं खाना वगैरह सबका रिव्यू आपको वर्चुअली शेयर जरूर करवाएंगे। तब तक लिए बने रहेंगे सर, बैंडेड जंक्शन के बाद आपके साथ बात करेंगे। गाइस हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं बैंडेल जंक्शन, इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट स्टेशन कोड BDC और यहां पे इस ट्रेन का है 2 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट डिले। और बैंडेल जंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस ओपन किए गए थे इंडियन 1854 और टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटेड बाई हावड़ा डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट है हुगली। गौड़ एक्सप्रेस लेके जब मैं यहाँ पे आया था तो आपको कवर करके दिखाया था, तो उसका भी आई बटन में रहेगा तो देख लीजिए। तो प्लेटफॉर्म क्या बोल रहे हैं, देखिए सब प्लेटफॉर्म उस साइड देख लीजिए। तो चलिए ट्रेन डिपार्ट कर चुका है, डिले चल रहे हैं तो बाद में जाके आपके साथ बात करेंगे। तो गाइस 10 मिनट डिले के मात्र डिपार्ट कर चुका है बैंडल। तो
আরে अरे आप लोगों का ऊपर कागज वगैरह ये सब है, ये तो रखना नहीं चाहिए ना। तो गाइस हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं, एक और स्किप करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं मानकर स्टेशन कोड एमए नहीं, और यहां पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन यहां पे पहुंचा है एकदम ऑन टाइम। डिले चल रहा था, हो गया ऑन टाइम। पीछे वाला स्टेशन मैं स्किप कर दिया बिकॉज बहुत बहुत वीडियो में आपको कवर करके दिखा चुका हूँ। मानकर प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है और स्टेशन कोड बता दिया एमए नहीं। टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, पश्चिम वर्धमान और आसनसोल डिवीजन द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। और टोटल कोविड से पहले 62 ट्रेन आके यहाँ पे हॉल्ट करता था, और यहाँ पे माँ काली का मंदिर के लिए यहाँ पे फेमस है, मतलब बहुत मंदिर वगैरह ये सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए डिपार्चर देखेंगे और आप तो आपके साथ बात करेंगे सीधा दुर्गापुर में जाकर।
कर लिया तू कॉफी ना चाय हम लोग देख सकते हैं ले चुके हैं चाय टेस्ट करके बता रहे ट्रेन से 10 रुपए लिया है 10-20 रुपए लिया है तो देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है चाय का टेस्ट कैसा है टेस्ट करके बता रहे मीठा चाय पेलीगर चाय लेकिन चाय लिया है टेस्ट बताओ तो टेस्ट सही है बढ़िया तो नहीं बोलूंगा ठीक है तो आपके साथ दुर्गापुर में जाके बात करें तो गाइज हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं दुर्गापुर स्टेशन को यार आपको बहुत बार कवर करके दिखा चुका हूँ चाय अभी पी रहा है तो दुर्गापुर आ चुका है कोई नहीं बहुत बार आपको कवर कर दुर्गापुर में किया गया था इंडिया ईयर 1855 रिसेंटली इलेक्ट्रीफाइड किया गया था इंडिया 1965 टोटल 5 प्लेटफॉर्म है पॉपुलेटेड बाई आसानसोल डिवीजन और पश्चिम बर्धमान में अभी भी चल रहे हैं और दुर्गापुर के बारे में अगर मैं और बात करूँ यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको NIT बोला जाता है उसके लिए भी फेमस है क्लीन सिटी में 3 नंबर पे दुर्गापुर का नाम आता है और ट्रांसपोर्टेशन भी वो सब भी बढ़िया है मतलब यहाँ से आप बीरभूम और कहीं भी जा सकते हैं वहाँ से आप कवर वगैरह कर सकते हैं ठीक है तो जाइए तो चलिए डिपार्चर देखते हैं उसके बाद बात करेंगे वाड़िया पे जाकर तो गाइज हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं वाड़िया स्टेशन कोड OYR और यहाँ पे स्टेन का 1 मिनट का हॉल थोड़ा बारिश हो रहा है क्या हुआ नहीं पता कोई नहीं गार्ड साहब ने सीटी मार दी 1 मिनट का हॉल्ट है 1 मिनट डिले चल रहा है और टोटल 4 प्लेटफॉर्म है आसानसोल डिवीजन द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है ठीक है और ज्यादा कुछ बताने लायक तो है नहीं चलिए सिग्नल हो चुका है और यहाँ पे एक इंडस्ट्री है जिसको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है ठीक है तो देख सकते हैं ट्रेन ऑलरेडी रनिंग हो चुका है ठीक है Eight, seven, half, and five, nine, seven, four, five, nine, four.
तो गाइज हम लोग फिलहाल दो स्टेशन स्किप करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आसानसोल स्टेशन को। डेएसएन यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन यहाँ पे पहुंचा है। 6 मिनट डिले, अभी भी डिले चल रहा है, थोड़ा आउटर में झूला झूला के रखे हो गया डिले। और आसानसोल जंक्शन जिसे सिटी ऑफ ब्रदरहुड भी बोला जाता है और आसानसोल खुद एक डिवीजन है, टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बढ़िया है। और एक लाइन आगरा होकर जाता है टाटा नगर, उस साइड भी चला जाएगा और एक चला पुरुलिया भी चला जाएगा, वो भी हो जाएगा। और एक जाएगा सीतारामपुर चले जाएगा। तो सीतारामपुर पे जाके आपके साथ बात करेंगे। बहुत बार आपको आसनसोल जंक्शन कवर करके दिखा चुका हूँ और आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, जो स्टेशन मैंने कवर नहीं किया है तो कोलकाता जम्मू तभी वाला ब्लॉग जरूर देखिए, वहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ, जो स्टेशन में कवर नहीं किया हूँ, तो जाइए वहाँ पे देख लीजिए। चलिए डिपार्चर देखते हैं, बिकॉज ट्रेन तो गाड़ी थोड़ा लेट। सो गाइस देख सकते हो उधर है, क्या है, कोई एलएचबी गाड़ी है, हाजीपुर कोलकाता शब्दवेदी एक्सप्रेस है ये, ठीक है, मतलब कोलकाता डायरेक्शन है, कोलकाता की तरफ जा रहा है, हाजीपुर से आ रहा है, ठीक है, वो देख सकते हैं। चलिए डिपार्चर देखते हैं। कोलकाता भालो तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट सीतारामपुर जंक्शन स्टेशन कोड एसटीएन, और यहाँ पे ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन यहाँ पे पहुंचा है 10 मिनट डिले। और सीतारामपुर जंक्शन के बारे में बात करूँ तो अभी भी आसनसोल डिवीजन है और पश्चिम बर्धमान भी है। और सीतारामपुर जंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक मेन जो चीज है ना, यहाँ पे एक पटना लाइन और एक धनबाद लाइन अलग होता है। हम लोग जाएंगे धनबाद लाइन की तरफ और जिसको बोला जाता है ग्रैंड कॉर्ड लाइन, जिसको बोला जाता है जो धनबाद लाइन जाके जो धनबाद से मुगलसराय लाइन घुसता है वो होता है ग्रैंड कॉर्ड लाइन, मतलब उसको ग्रैंड कॉर्ड लाइन बोला जाता है। और सीतारामपुर होके जो पटना होके मुगलसराय घुसे वो है हावड़ा दिल्ली मेन लाइन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो यही सभी है और कुछ बताने है, 2 हॉल्ट में करूंगा स्कीप और आपके साथ बात करूंगा मैं कुमारडुबी पे जाके। तो चलिए डिपार्चर देख लेते और उसके बाद दिखाएंगे टॉयलेट। हेलो सो गाइज आपको ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का वॉशरूम दिखाएंगे। वॉशरूम दिखाने से पहले सामने जो मिरर है देख सकते हैं एकदम क्लीन चकाचक है, इंडियन रेलवे का साइन मार्क दिया हुआ है, सोप होल्डर है, वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं अंदर एक डस्टबिन है, ठीक है। तो चलिए जाएंगे वॉशरूम के अंदर देखेंगे। तो ये है इंडियन स्टाइल का टॉयलेट, बंद करते हैं पहले। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ 22387 ब्लैक डायमंड सुपर फास्ट के वॉशरूम में। वॉशरूम देखने से पहले सामने जो मिरर है देख सकते हैं एकदम क्लीन है, चकाचक है, इंडियन रेलवे का साइन मार्क दिया हुआ है, थोड़ा व्हाइट स्पॉट वगैरह होगा, यहाँ पे हैंड लिक्विड सोप दिया हुआ है, वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोप होल्डर देख सकते हैं, और यहाँ पे खिड़की भी है, इंडियन स्टाइल का वॉशरूम है, उधर और एक टैप दिया हुआ है,
और इधर पे तीन लॉक सिस्टम है, यहाँ पे एक होल्डर दिया हुआ है और यहाँ पे सॉकेट होना चाहिए लेकिन सॉकेट नहीं है, और यहाँ पे एक लाइट भी है, ठीक है। तो और ये इधर से एयर पास करने के लिए भी एक मतलब छोटा सा जिसको विंडो, छोटा विंडो बोला जाता है, वो भी है, ठीक है। और एकदम उत्कृष्ट जैसा फर्निश्ड एकदम एकदम चकाचक वॉशरूम जिसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे, वॉशरूम का कंडीशन बोलूं तो वॉशरूम कंडीशन भी बढ़िया है, नीचे का कंडीशन भी बोलूं तो नीचे का कंडीशन भी बढ़िया है, ठीक है। मतलब बढ़िया है वॉशरूम का, वॉशरूम अगर बोलूं तो मैं वॉशरूम में दूंगा 10 में से 9, ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया वॉशरूम बोलेगा, वॉशरूम का कंडीशन बहुत बढ़िया है। अभी तक इतना हॉल्ट कवर करके हावड़ा से लेकर अभी तक सीतारामपुर क्रॉस कर दिया, मतलब कुछ ही देर में हम लोग धनबाद घुस जाएंगे, तो अभी तक वॉशरूम का कंडीशन बोल तो वॉशरूम मतलब बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया वॉशरूम मिला है अभी, और पूरा फर्निश्ड उत्कृष्ट जिसको बोला जाता है, मतलब उत्कृष्ट जैसा वॉशरूम, मतलब पूरा फर्निश्ड वॉशरूम है, ठीक है। तो चलिए कुमार टूबी पे जाके बात करेंगे, तब तक के लिए आगे देखते रहिए। तो गाइज हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का लास्ट और फाइनल हॉल्ट कुमार डुबी स्टेशन कोच के AMME, और यहां पे इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट और ट्रेन यहां पे पहुंचा है 12 मिनट डिले। देख सकते हैं कि चार चार प्लेटफॉर्म है और टोटल 2 प्लेटफॉर्म है, और पीछे जो ब्रिज दिखा है उस ब्रिज के उस पर होता है वेस्ट बंगाल, और ब्रिज जब क्रॉस करके इस पर आ जाता है वो ये हो जाए झारखंड। तो जैसे ही झारखंड आ गया तो फिलहाल हम लोग धनबाद डिवीजन में है, और गाड़ी थोड़ा डिले वगैरह चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, जर्नी एक्सपीरियंस तो सही रहा लेकिन थोड़ा इतना हॉल्ट है तो कवर करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई नहीं। कोलकाता जम्मू तभी लेके आए, जब मैं फर्स्ट क्लास बिरान लेके यहाँ पे आया था तो यहाँ पे मैं क्या किया था, जर्नी खत्म किया था, तो कोई नहीं। चलिए डिपार्चर देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं धनबाद जंक्शन पे जाके।
तो गाइस 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका भाई फाइनली पहुंच चुका है धनबाद जंक्शन स्टेशन को DHN, और यहां पे इस ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन था। तो ट्रेन पंचुअलिटी बोलूं तो 4 मिनट डिले पहुंचा है, 11:18 पे टाइम था, 22 पे पहुंचा है। तो कोई नहीं, 3-4 मिनट ऐसे थोड़ा गाड़ी में होता रहता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ट्रेन पंचुअलिटी बोलूं तो सही है, ट्रेन कंडीशन बोलूं तो बहुत बढ़िया है, ट्रेन वॉशरूम तो बहुत ही बढ़िया मैं बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक ही मैं बोल दूंगा, मतलब बढ़िया हो जाए। तो जर्नी को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आपको लगा आप मेरे साथ कर रहे थे वर्चुअली ट्रेवल तो क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, और चैनल में नई न्यू कमर है तो भाई इस कंटेंट को देख के अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों को, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते, यूजर आईडी ऊपर वगैरह कहीं पे दिख रहा होगा, जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। तिल्ले नॉट बीस झारखंड धनबाद जंक्शन ब्लैक डायमंड IRS सुबोधित साइनिंग ऑफ।